हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो भाई। मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लो। वीडियो क्वालिटी कम है, थोड़ा बहुत हल्ला आ सकता है, लेकिन सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अपने नए चैनल पर अभी वीडियो डाली कि सीयूटी में हम सही से तुक्का कैसे लगा सकते हैं, जहाँ पर 11 ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के नीचे पूरे यही कॉमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो में आपने गलत बता दिया है। आप बोल रहे हो कि अगर हम सीयूटी में कोई क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो -1 होगा, लेकिन रियलिटी में -6 होगा, 1 नहीं होगा। आप गलत बोल रहे हो भाई। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए हो। एक सिचुएशन को देखने के दो पर्सपेक्टिव हैं, आप दूसरे वाले पर्सपेक्टिव को पकड़ रहे हो जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। आपके पास 6 टॉफी हैं, सामने वाले के पास 5 टॉफी हैं। उसने आपसे बोला कि वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो क्वेश्चन आपने सही से आंसर करा तो वो 5 टॉफी आपको दे देगा, और अगर आपने गलत करा तो 1 टॉफी वो आपसे ले लेगा। अब हुआ ये कि उसने क्वेश्चन पूछा लेकिन आपने गलत आंसर कर दिया और उसने आपसे आपकी 1 टॉफी ले ली, -1 आपका हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप दिमाग क्या दौड़ा रहे हो, यार अगर मैंने क्वेश्चन सही से आंसर कर दिया होता तो उसकी 5 टॉफी मुझे मिल जाती, तो मेरे पास 5 और टॉफी आ जाती। लेकिन वो 5 टॉफी भी मेरे पास नहीं आई, मेरी 1 टॉफी और मेरे पास से चली गई, तो टोटल में 6 टॉफीज का मुझे लॉस हो गया। ये गलत है। अरे जो चीज आपकी थी ही नहीं उसे आप काउंट क्यों कर रहे हो? आपके पास 6 टॉफी थी, आपकी क्या वो सारी टॉफी चली गई? नहीं ना, सिर्फ 1 टॉफी गई, 5 टॉफी अभी भी आपके पास है। आपकी 1 ही टॉफी गई है, सामने वाले की जो 5 टॉफी है वो आपको नहीं मिली। तो वो आपको नहीं मिली है तो उसको ऐसे काउंट मत करो कि -6 हो गया है, आपका -1 ही हुआ है। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है देखने का कि काश अगर क्वेश्चन सही चला जाता तो 5 मार्क्स और मिल जाते, वो भी नहीं मिले तो गलत हो गया। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो आप पेपर कर रहे हो, अभी आपके सारे क्वेश्चन हो गए, टोटल में आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन गलत चला जाता है तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। आपके मार्क्स 14 नहीं हो जाएंगे, 6 मार्क्स नहीं कट जाएंगे। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, सिर्फ 1 मार्क आपका चला जाएगा, बस कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज याद रखो, जाने ये कंफ्यूजन कहां से आप लोगों के दिमाग में आ रही है, कौन आपसे बोल रहा है। तो इन शॉर्ट हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आप 70-80% श्योर हैं कि इसका आंसर यही होना चाहिए तो वहां पर फिर आपको तुक्का लगाना चाहिए। तुक्का लगाना, क्वेश्चन को सही से गैस करना एकदम वर्थ इट है, क्योंकि आप पॉजिटिव साइड में ही रहने वाले हैं। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नए चैनल पर वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि तुक्का आपको क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी है। अभी भी अगर इसके बाद कुछ है तो टेलीग्राम पर मुझे आप मैसेज कर देना, चैनल पर, मैं वहां पर आपकी सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट।